अब जैकेट जो होती है ना $50 की भी आती है, 300 की भी आती है और 3000 की भी आती है। विंटर से पहले एक बार फुल बॉडी चेकअप जरूर करवा लो, आपकी वजह से एक्सीडेंट नहीं होगा, दूसरे की वजह से एक्सीडेंट होगा, जिससे पहले कि ये जगह ऐसी हो जाए। आपको 5 टिप्स देते हैं कि कनाडा के विंटर में कैसे सर्वाइव करना है। 5 साल हो चुके हैं, बहुत सारे टिप्स हैं, तो एंड तक वीडियो देखना। लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू हेल्थ। सो अभी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट फिनिश हुई है, सारे पॉइंट हेल्थ से रिलेटेड बताते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी, विंटर से पहले एक बार फुल बॉडी चेकअप जरूर करवा लो, जो कि फैमिली डॉक्टर आपका बहुत इजीली करवा देता है। आपको पता होता है क्या क्या आपके टेस्ट करवाने, लेट्स से कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, वो आपको अपने आप सारे टेस्ट लिख के देगा। सो मैंने चेकअप कराया है, मेरा तो B12 कम आया है, बट मल्टी वाइटामिन आप जरूर लेना। अगर आप चेकअप नहीं भी करवा रहे हो तो इतनी डाइट अच्छी नहीं होती, या तो डाइट अच्छी रखो, प्रॉपर डाइट रखो। एंड जब आप चेकअप कराओगे डॉक्टर से, ये फैमिली डॉक्टर से, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से वाइटामिन की डेफिशिएंसी है। जैसे मेरे B12 की निकली है, और जनरली सबके विटामिन डी जो होता है ना कनाडा में कम ही होता है। अगर आपको कभी भी लगे कि लथार्जिक फील हो रहा है, एनर्जी नहीं है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, तो जरूर चेक करवाओ विटामिन डी एंड B12। तो मेरा तो दोनों लो है, मेरी दोनों मेडिसिन स्टार्ट है। एंड विंटर्स में आप इतना ज्यादा आउटडोर्स नहीं जा सकते, तो सनलाइट नहीं मिलती, बट फिर भी ट्राई करो, जब भी पॉसिबल हो वॉक्स पे चले जाओ। अगर घर के अंदर धूप आती है तो ट्राई एंड लाइक टेक सनलाइट एज मच एज यू कैन। विंटर में वर्कआउट भी जरूरी है, बिकॉज और कोई एक्टिविटी आपकी होती नहीं है, डिप्रेशन भी कम होगा, फिट भी रहोगे, बिकॉज बाहर कोई आप वॉक नहीं कर रहे हो, एक्टिविटी नहीं कर रहे हो। एंड थर्ड थिंग, अगर आपके बैक वगैरह में स्प्रेन होता है वो नहीं होगा, बिकॉज अगर आप घर पे बैठे रहोगे, कोई स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे हो, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो बॉडी स्टिफ हो जाती है, वर्क फ्रॉम होम वैसे ही चल रहा है, बैक पेन हो जाएगा। सो वर्कआउट इज मस्ट, स्पेशली इन विंटर्स। नेक्स्ट स्टेप, आपको पता है कि कार आप ड्राइव करोगे स्नो में, ऐसा तो नहीं कि स्नो हो रही है आप कार ड्राइव ही नहीं करोगे, घर पे बैठे रहोगे, तो उसके लिए बहुत सारे यंत्र आपको जुगाड़ करके रखने पड़ते हैं अपनी गाड़ी में, और बहुत सारी टिप्स होती है रिलेटेड टू कार। सो सबसे पहले मैं थोड़ी सी एक्सेसरीज बता देता हूँ कार रिलेटेड। फर्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, द ब्रश, जिससे आप स्नो हटाओगे। जब मॉर्निंग में लेट से आपको ऑफिस जाना है, तो आपकी पूरी कार स्नो से कवर्ड होगी, और उसके दूसरे साइड पे ये स्क्रेपर होगा। अगर फ्रीजिंग रेन हुई है तो आपके विंडशील्ड पे आइस जम गई होगी, तो वो आप स्क्रैच करके इससे निकाल सकते हो। थोड़ा सा स्क्रैच पड़ सकता है, बट और कोई ऑप्शन नहीं होता, जल्दी में आपको निकालना ही पड़ेगा और स्नो ब्रश यूज करना पड़ेगा। सेकेंड इज टायर इन्फ्लेटर, ये भी गाड़ी में होना चाहिए, इनफैक्ट ये तो समर में भी होना चाहिए। अगर आप स्नो स्टॉर्म में फंस गए हो, ट्रैफिक में फंस गए हो और आपको हवा भरनी है, तो ये बहुत काम आएगा। तो पोर्टेबल एक गाड़ी में जरूर होना चाहिए, इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, सबका ही आप ले सकते हो, और रकुटिन के थ्रू लेना, यू विल गेट कैश बैक एज वेल $30। नेक्स्ट जो आइटम है वो तो बहुत ही जरूरी है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे -45 लिखा हुआ है, विच इज -45 डिग्री सेल्सियस तक ये जमेगा नहीं। दिस इज विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड, तो इंडिया में हम भी डाल लेते थे यार, पानी डाल लेते थे हम, यहाँ पे आके आप वो चीज नहीं कर सकते, बिकॉज पानी जो है आपके विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड में डालोगे तो -35 में वो जम जाता है और पाइप बस्ट हो सकते हैं। सो ये आपको एक्स्ट्रा लेके ही रखना पड़ता है, यू नेवर नो कब आपको जरूरत पड़ जाए, तो कार में एक दो एक्स्ट्रा रखो और गाड़ी में यही डालो हमेशा। इनफैक्ट समर में भी और विंटर में भी यही डालते हैं यहाँ पे, बट कमेंट करके बताना। इंडिया में तो हम पानी डाल लेते हैं कभी कभी, जब सर्विस होती है गाड़ी की तभी वॉशर फ्लूइड डालते हैं, अदरवाइज हम तो पानी डाल लेते हैं। कनाडा में गलती से मत डालना। और इन टेक्निकल इक्विपमेंट्स के अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो आपकी गाड़ी में हमेशा होनी चाहिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी किट, जिसमें ब्लैंकेट, आपकी जो जैकेट्स वगैरह एक्स्ट्रा हमेशा गाड़ी में पड़ी होनी चाहिए। हमेशा हमारी गाड़ी में गर्मियों सर्दियों जैकेट्स पड़ी रहती है, बिकॉज यू नेवर नो कब विंडी हो जाता है। सो ऐसी चीजें हमेशा गाड़ी में होनी चाहिए। उसके अलावा थोड़ा बहुत खाने के लिए स्नैक्स, ड्राई स्नैक्स जो होते हैं वो चीजें रखनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपना हीटर चेक करो गाड़ी का, कि हीटिंग प्रॉपर हो रही है। कई बार विंटर स्टार्ट होने से पहले हाँ हीटिंग वगैरह चेक करा लो, सर्विसिंग करा लो, बिकॉज दे माइट बी अ सिचुएशन के हीटर ना चल रहा हो, और अगर आप ड्राइव पे हो बाहर तो बहुत मुश्किल हो सकता है। चेक इंजन लाइट आ रही है, तो एक्चुअली मैं गाड़ी की पूरी प्रॉपर सर्विस कराओ विंटर से पहले, बिकॉज वैसे तो यहाँ पे ओंटेरियो में इतने ऐसे कोई खास स्नो स्टॉर्म आता नहीं है, बट लेट्स से आप ट्रैवल कर रहे हो, या लास्ट ईयर था ब्लिजर्ड आया था, तो जो QEW था, जो टोरंटो जाने वाला पूरा हाईवे था, वहां पे लोग 3-3 घंटे फंसे हुए थे। अब सोचो उस सिचुएशन में आपकी गाड़ी खराब हो गई तो बहुत प्रॉब्लम होती है। एंड गैस टैंक आपकी गाड़ी में हमेशा फुल होना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कब आप ट्रैफिक में फंस जाओगे। स्नो स्टॉर्म आ गया है और आपकी गाड़ी में अगर फ्यूल कम है तो गाड़ी आपकी हाईवे पे खड़ी रहेगी, और फ्यूल स्टेशन थोड़ा गैस स्टेशन दूरी होता है, तो पेट्रोल आपकी गाड़ी में हमेशा स्नो स्टॉर्म में विंटर में फुल होना चाहिए। समर में तो होना ही चाहिए, हाफ भी चलेगा, विंटर में स्पेशली हमेशा ट्राई करो कि फुल रहे आप। और कनाडा में आपकी
कि ऑल व्हील ड्राइव होनी बहुत जरूरी है। जैसे मेरी गाड़ी है फ्रंट व्हील ड्राइव है, सो सेफ्टी रहती है, ज्यादा स्किड नहीं होती। बट डजंट मैटर आपकी फोर व्हील ड्राइव है, ऑल व्हील ड्राइव है, आपके जो टायर होने चाहिए विंटर में वो विंटर टायर होने चाहिए। स्पेशल विंटर टायर होते हैं जिससे गाड़ी स्किड नहीं होती है, उसमें ग्रिपिंग बेटर होती है। सो डजंट मैटर इवन इफ यू हैव ऑल व्हील ड्राइव, गेट विंटर टायर्स, बिकॉज सेफ्टी भी होगी और सेकंड बेनिफिट आपकी इंश्योरेंस भी इससे कम हो जाती है। तो अभी ये चेंज करवाने हैं, नेक्स्ट वीक हमारी अपॉइंटमेंट है तो वो भी व्लॉग बन जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये विंटर टायर चेंज होंगे हमारी गाड़ी के भी, बिकॉज आपको ट्रैवल करना है तो सेफ रहते हो आप, गाड़ी स्किड नहीं होती। बट डजंट मैटर कि आपकी गाड़ी में विंटर टायर है इंस्टॉल्ड, फिर भी आप अवॉइड करो कि हाईवे पे जाने में, स्नो में गाड़ी चलाने में, बिकॉज आपकी वजह से एक्सीडेंट नहीं होगा, दूसरे की वजह से एक्सीडेंट होगा। क्या पता दूसरा बंदा सही से गाड़ी नहीं चला रहा, दूसरे बंदे की गाड़ी में विंटर टायर नहीं लगे हुए, बट आप हाईवे पे हो तो आप प्रोन टू एक्सीडेंट हो बिकॉज ऑफ अदर पर्सन्स फॉल्ट। और कैसे गाड़ी चलानी चाहिए, क्या क्या सिचुएशंस होती हैं हाईवे पे, स्ट्रीट पे, उसके लिए हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं, वो आप जाके देख सकते हो, नीचे लिंक पे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाईवे में कैसे डिफिकल्टीज होती हैं, स्नो, एक्चुअली हमने स्नो स्टॉर्म में गाड़ी चलाई थी, सो वो डिटेल वीडियो देख लेना। बट ओवरऑल ये सब आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, और डू नॉट अंडर एस्टिमेट स्नो और फ्रीजिंग रेन ड्राइविंग स्पेशली। एंड यस, लाइक कभी भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, स्पेशली इन विंटर्स, टेक सम एक्स्ट्रा टाइम, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बफर लेके चलो, बिकॉज यू नेवर नो कहां पे क्या सिचुएशन है, दे माइट बी ट्रैफिक, एंड आप जल्दी जल्दी भागोगे तो सेफ नहीं है विंटर्स में ऐसे ड्राइव करना। सो ऑलवेज कीप बफर व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन विंटर्स, बिकॉज ड्राइविंग इन स्नो एंड ड्राइविंग इन समर इज एब्सोल्युटली डिफरेंट, सो कभी भी इसको लाइटली मत लेना। ओवरऑल बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं आपके, विंटर टायर, विंटर एक्सेसरीज, शॉवल, स्नो ब्रश, सो लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी वेर यू कैन सेव मनी। सो राइट नाउ देयर इज अ ऑफर गोइंग ऑन इफ यू ओपन अ बैंक अकाउंट विद BMO, हियर आर द डिटेल्स। विद BMO न्यू स्टार्ट न्यू कमर बैंकिंग प्रोग्राम, गेट मोर देन $650 इन वैल्यू व्हेन ओपनिंग अ परफॉर्मेंस चेकिंग अकाउंट। Here is the breakdown. Earn $400 when you meet the qualifying criteria, around $203 savings from monthly plan fee discount for a year, $60 cash bonus with rental of a safety deposit box, plus a bonus benefit, you can send unlimited BMO global money transfer with no fee for 1 year. So do not miss the offer. You can utilize those savings on your winter wear, winter gears or car accessories. So avail the offer. Link is in the description. Ab baat karte hain विंटर वेयर की। विंटर शॉपिंग दोनों की डन है, घर जाके अब कुछ सारे आइटम्स दिखाते हैं, काफी टाइम लग गया और टिप्स भी देते हैं, रात ही हो गई बिल्कुल। हाँ। शॉपिंग करते करते सारी टिप्स देते हैं, क्या क्या आपको आइटम लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं विंटर वेयर की। शॉपिंग तो उस दिन हम करके आ गए थे, तो हेड टू टो क्विकली आपको बता देते हैं, बिकॉज इसका डिटेल वीडियो हमने बनाया हुआ, वो लिंक में नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, डिटेल में देखना, वो देख लेना, क्विकली बताते हैं। हैट जो है आपको, यहाँ पे कैप नहीं बोलते, हैट बोलते हैं, ध्यान रखना, या फिर टूक बोलते हैं, बीनी नहीं बोलते इंडिया में, इसको हम बीनी बोलते थे, बहुत बेइज्जती हुई हमारे शुरू में। सो ये इंसुलेटेड होनी चाहिए, वार्म होनी चाहिए, आप उनसे पूछना, बिकॉज जनरली जो हैट्स होती हैं इन पे टेम्परेचर रेटिंग नहीं लिखी होती ज्यादातर, जितना हमने नोटिस करा है। तो आप उनसे पूछना कि कौन सी वार्म वाली, जैसे हमने पूछ के लिए ये वार्म वाली है, सो हम कैलगरी जा रहे हैं, हमें बहुत वार्म कपड़े चाहिए इसलिए हमने शॉपिंग करी है। एंड अगर आपके ईयर्स पे मेरी तरह ज्यादा ठंड लगती है, यू नीड एन ईयर मफ, अगर आप गाने सुनते हो हेडफोन पे बहुत ज्यादा, ये मेरी ट्रिक है, ओवर द ईयर वाला हेडफोन ले लो, वो आप लगा के फिर एक बार कान खराब हो सकते हैं उससे, तो आई विल प्रेफर दिस थिंग। तो कान इससे आपके वार्म रहते हैं, बट हैट भी ठीक है, हैट से भी आप कवर कर सकते हो कान, बट दिस इज मोर इफेक्टिव। सिमिलरली वुमेन के लिए हैट है सिमिलर टू मैन, अंदर से इंसुलेटेड होनी चाहिए, एयर मफ थोड़े डिफरेंट होते हैं, गर्ल्स के थोड़े अच्छे होते हैं, और अपार्ट फ्रॉम हैट्स गर्ल्स के लिए ऐसे क्यूट से एयर मफ आते हैं तो आप ऐसे बाय कर सकते हो, एंड नेक पे ज्यादा ठंड लगती है तो यू कैन बाय दीज मफलर्स, सो ये भी बड़े क्यूट लगते हैं। सबसे महंगा आइटम जो लोगे आफ्टर शूज वो होता है विंटर जैकेट, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यू नो, अगर बाकी चीजें आपने नहीं भी ली हैं इससे कवर हो जाएगी, हैट भी है। जैकेट में कुछ चीजें ध्यान रखना, जो हुड फर होती है इट शुड बी डिटैचेबल, तो इसमें जिप लगी हुई है तो मैं इसको निकाल के अलग से वॉश कर सकता हूँ, ये एक फीचर जरूर होना चाहिए, और हुड फर बेसिकली होनी चाहिए, कई लोगों को नहीं पसंद होती बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जब साइड से हवा आती है ना तो आप इसको खोल सकते हो, हवा आपके मुंह पे नहीं लगती है। अब जैकेट जो होती है ना $50 की भी आती है, 300 की भी आती है, और 3000 की भी आती है, वही एंड्रॉइड और एप्पल वाली बात है, अगर आपको 3000 वाली लेनी है, ब्रांड दिखाना है कि मैं तो 3000 वाली जैकेट पहनी है, बिकॉज बहुत कम लोग लेते हैं, सो आप ले सकते हो एक्स्ट्रा पैसे हैं तो, बट आई विल नॉट रिकमेंड इट, बिकॉज जो 300 की जैकेट होगी ना वो भी उतनी इफेक्टिव होगी जितनी 3000 वाली होगी। सो 300 की जैकेट लो,
वो बहुत ज्यादा वार्म होगी, वो आपको काम आएगी कैलगरी में जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है। ये नॉर्मल जैकेट है, -25 तक ये जाती है, सो ये ओंटेरियो में चल जाती है बिकॉज इसके नीचे आप लेयर अप भी करोगे। सो दो तरीके से आप जैकेट पहन सकते हो विंटर जैकेट। आप $50 वाली लो जो आपकी -5 तक चलेगी, वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी, बट हाँ उसके नीचे आपको लेयर अप करना पड़ेगा। उसका फायदा क्या होगा, एक बंदा पहन रहा है टी शर्ट और उसके ऊपर बहुत वार्म वाली जैकेट, लेट्स से -35, तो उसके पास ऑप्शन क्या है, या तो वो बहुत ज्यादा ठंड में रह सकता है या तो गर्मी में रह सकता है, इन मिडल कहीं नहीं रह पाएगा। अगर वो जैकेट उतारेगा उसको ठंड लगेगी। लेयर अप करने से ये फायदा होता है, अगर आपकी ठीक ठाक जैकेट है, वो आपके जैकेट के नीचे आपने एक स्वेटर पहना हुआ है, एक वार्म टी शर्ट पहनी हुई है, मे बी आप कैलगरी में हो जहाँ पे ज्यादा ठंड है, वहाँ पे आपने थर्मल वेयर भी पहना हुआ है, सो आप वेरिएशन बहुत ज्यादा कर सकते हो। जैकेट उतारी आप -10 तक बेयर कर सकते हो, फिर उसके नीचे आपने स्वेटर उतार लिया या आपका जिपर है, फिर आप 0 डिग्री तक बेयर कर सकते हो, तो उसके नीचे आप टी शर्ट उतार नहीं पाओगे, बट वेरिएशन मिल जाती है आपको बहुत ज्यादा। सो ये आपकी कॉल है कि जिस एरिया में आप रह रहे हो वहां पे बहुत ज्यादा ठंड है या फिर ठीक ठाक है जहां पे आप एक टी शर्ट पहनो और ऊपर आपको -10 तक जाना है जो कि आप जैकेट पहन के जा सकते हो। सो इस टाइप की जीन्स में क्या होता है, देयर इज अ डबल लाइनिंग व्हिच इज एज गुड एज 2 लेयर्स एंड दिस इज परफेक्ट फॉर ओंटारियो विंटर्स, बट देयर इज अ कैच हियर। अगर आपकी जॉब ऐसी है जिसमें आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है या फिर आपको बहुत ज्यादा आउटडोर्स रहना है या फिर आप किसी ऐसे प्रोविंस में हो जहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो आई वुड नॉट रिकमेंड वेयरिंग जस्ट दिस। इसके साथ में आपको एक लेगिंग्स या कुछ और थर्मल वेयर वेयर करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू स्टे वार्म। एंड इस बार हमने वार्म वाले ग्लव्स भी लिए हैं क्योंकि कैलगरी जा रहे हैं, तो -25 तक ये चल जाएंगे, वाटर प्रूफ है, अंदर से इंसुलेटेड है, प्लस टच फीचर जरूर लेना कि टच स्क्रीन आप यूज कर पा रहे हो कि नहीं, बिकॉज फोन आपने यूज करना है, बार बार हाथ नहीं निकाल पाओगे आप, इतनी ठंड होती है, तो ये वाला फीचर भी अपने ग्लव में जरूर होना चाहिए। बात करते हैं अब और इम्पोर्टेंट चीज की, विंटर शूज। स्नो शूज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जैकेट अगर आपकी अच्छी नहीं है ना तो आपको ठंड लगेगी, स्नो शूज आपके अच्छे नहीं है ना तो आप गिर सकते हो, चोट लग सकती है, इंजरी हो सकती है, तो दो टाइप के आप शूज ले सकते हो इफ यू वांट टू गो फॉर 2 शूज। अगर एक लेना है तो वो आप स्नो शूज लेना। दोनों में ये चीज जरूर ध्यान रखना कि ग्रिपिंग बहुत अच्छी हो, बिकॉज जब फ्रीजिंग रेन होती है, ब्लैक आइस होती है, वो आपको दिखेगी भी नहीं, आपका पैर फिसलेगा और बट्टा बैठ जाएगा। तो जैसे ये वाले मेरे शूज है, इसमें ऑलरेडी ग्रिपिंग है, या आप पूछ सकते हो, इसमें भी टेम्परेचर रेटिंग आपने देखनी कि -25 तक जा सकते हैं या -35 तक जा सकते हैं। कैलगरी वगैरह वेदर के लिए आपको और भी अच्छे टेम्परेचर रेटिंग वाले चाहिए होंगे, -35 वगैरह के। ओंटारियो में ठीक ठीक -25 भी चल जा रहा है, तो आप कैजुअल वाले भी पहन सकते हो, बट अगेन आपको ग्रिपिंग देखनी। इस वाले में एक फीचर है, ये मैं क्लॉक खोल लेता हूं, सो इससे ग्रिपिंग इतनी अच्छी बन जाती है कि ब्लैक आइस में भी स्किड नहीं होते, बट ऐसे कम आते हैं। लेकिन आप पूछ सकते हो कि विंटर शूज स्पेसिफिकली जिनकी ग्रिपिंग बेटर हो वो लेने। आपने गर्ल्स के लिए ऑप्शन होता है कि लॉन्ग वाले भी आते हैं, जैसे मनप्रीत ने बताया कि नीज तक तो आपकी जैकेट आ जाएगी और उसके ऊपर ही आप शूज से कवर कर सकते हो, फिर उसके नीचे अगर आपने जीन्स लाइनिंग वाली नहीं भी पहनी है तो ठीक ठाक ठंड में चल जाते हैं। कैजुअल हो या फिर एक्चुअल में स्नो शूज हो, ग्रिपिंग का जरूर ध्यान रखना, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली लाइट वेट हो ये ध्यान रखना, और ज्यादा सुंदर लगे शूज ये मत देखना, उस चक्कर में मैंने लिए थे, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं बट दिस इज वेरी हैवी। सो सबसे आपको ज्यादा जो चीज ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि स्किड ना हो, एंटी स्किड हो, ग्रिपिंग बेटर हो, देखने में अच्छे लगने लगे, डजंट मैटर। सबके शूज स्नो में कवर होते हैं, कोई किसी के शूज नहीं देखता विंटर में, सब ऐसे ही बेकार लग रहे होते हैं सबके शूज, बिकॉज सारा स्लशी होता है, मडी होता है। टिप्स टू मेक योर हाउस रेडी फॉर कनाडा स्नो स्टॉर्म्स। अब जैसे आप देख रहे हो गाड़ी खड़ी है ड्राइववे पे, ये विंटर में ड्राइववे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे बहुत सारी स्नो पड़ी होगी, गाड़ी निकल नहीं सकती, तो उसके लिए आपको एक यंत्र चाहिए होगा, स्नो शॉवल। और इस विंटर में हम स्नो शॉवल की जगह स्नो पुशर लेके आएंगे, स्नो प्लाव भी बोलते हैं उसे, तो जब लेके आएंगे उसके बारे में वीडियो बना देंगे। और अगर आपका ड्राइववे बहुत ही बड़ा है, डिटैच हाउस है, तो आप स्नो ब्लोअर भी ले सकते हो, जो ऑटोमेटिक वाला होता है, इलेक्ट्रिक भी आता है, उससे बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाती है स्नो। वो थोड़ा महंगा भी आता है, तो वो आप कॉस्ट इफेक्टिवनेस देख के परचेज कर सकते हो, ये इतने महंगे नहीं आते, बट हाँ स्नो शॉवल से बैक में पेन होता है बिकॉज उठा के आपको फेंकनी होती है, स्नो पुशर इज स्टिल बेटर, तो वो इस साल हम यूज करेंगे, यू विल नो द फीडबैक। सेकंड आइटम, सो जो फ्रेश स्नो होगी ना वो तो आप ड्राइवर से शॉवल से या पुशर से हटा दोगे, लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद जम जाती है स्नो, उसके लिए आपको सॉल्ट लेके आना पड़ता है, तो ये सॉल्ट जब उस जमी स्नो के ऊपर डालते हो तब वो मेल्ट होती है, वो आप शॉवल से नहीं निकाल पाओगे, बहुत डिफिकल्ट होता है, तो ये भी एक बैग आप लाके रखना। बट ये जो सॉल्ट होता है ना ये आपका फ्लोर डैमेज कर सकता है, तो जरूर चेक करना कि ये आप ड्राइववे पे या फिर आपके सीमेंट वाले जो एरिया है उस पर डाल सकते हो नहीं डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारा वाला उसने बढ़िया क्वालिटी का नहीं डाला, तो मैंने पिछले साल डाला था सॉल्ट, तो डैमेज हो गया पूरा सीमेंट, सो ये चेक जरूर कर लेना, सॉल्ट थोड़ा सा डैमेज करता है। अब गर्मियों में आपने कनाडा में एंजॉय कर लिया अपना बैकयार्ड, बट विंटर्स में ये सब कुछ करना पड़ता है आपको, कवर करना पड़ता है सारे फर्नीचर, ध्यान रखना पड़ता है कि स्नो से कोई चीज जो खराब होने वाली है उसे तो प्रॉपरली कवर करना पड़ता है, या फिर आप अपने स्टोरेज में मूव कर दो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, जो ये होज होता है जिससे आप गार्डन अपने ग्रास में प्लांट्स में पानी देते हो, अगर इसमें पानी रह जाएगा तो ये जमेगा विंटर में और फिर ब्लास्ट हो सकता है। आपका पाइप है
है वो फट सकता है बिकॉज वो पूरा आइस से जम जाएगा, और इसी से ठंड भी अंदर जाती है, अंदर वाले पाइप भी फट सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि यहाँ से भी आप इसको बंद करो, पूरा पानी इसमें से खाली करके होज में से, एंड नीचे एक होता है फर्नेस में आपके, उसमें भी एक मेन वॉल्व होता है जो आपको बंद करना पड़ेगा। तो अभी मैं वाला कर देता हूँ, बट उसके साथ एक और आपको यंत्र भी दिखाता हूँ। ये जो होज है ये मैंने खाली कर दिया है, इसमें कोई पानी नहीं है सो दैट जमे ना, और यहाँ से बंद कर दिया है। बट फिर भी क्या होता है विंटर में, ये तो ठंडा होगा और ये मेटल का है, फिर अंदर तक थोड़ा सा भी उसका असर जाएगा तो अंदर से स्नो जमेगी और फिर पाइप फटने का डर रहता है। सो ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, अमेजोन से मंगवाया कवर, इंसुलेशन है बेसिकली ये। तो ये यहाँ पे ऐसे लग जाएगा जब मैं होज निकाल दूंगा, तो ये पूरा करके यहाँ से टाइट हो जाएगा लाइक दिस। सो इससे ये होगा, जो अगर अंदर टेम्परेचर होना होगा -20 लेट से इस होज का, वो प्लस में रहेगा बिकॉज यहाँ से ऑलरेडी इंसुलेटेड है, कोई ठंड अंदर नहीं जा पा रही, हवा अंदर नहीं जा पा रही। तो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, आई होप दिस विल बी यूजफुल, और इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन से, यू कैन बाय इट एंड बाय इट वाया प्रकृति। एंड जितनी भी आपकी सोलर लाइट्स हैं गार्डन में वो निकाल के रख देना बिकॉज ठंड में वो खराब हो जाती है, हम एक साल गलती कर चुके हैं, तो वो निकाल दी सारी। और ये वाली भी जो लाइट है वो आप देख सकते हो, लास्ट ईयर हमने नहीं निकाली थी एंड इट वॉज फाइन, कुछ डैमेज नहीं हुआ, तो हम नहीं निकालेंगे वाली, लेट्स सी अगले साल आपको पता चल जाएगा। बट बाकी जितनी भी सोलर लाइट्स है वो निकाल दिया। यहाँ पे मैं अपने फर्नेस का फिल्टर चेंज कर रहा हूँ, जो कि एवरी 3 मंथ्स करना ही चाहिए, बट बिफोर यू स्विच ऑन योर हीट ये अच्छे से क्लीन करना चाहिए बिकॉज बहुत ज़्यादा इसमें डस्ट होती है, एसी चल रहा होता है समर में। एंड अगर आपके घर में HRV लगा हुआ है तो उसके अंदर भी एयर फिल्टर्स होते हैं, वो भी गंदे होते हैं, वो भी एवरी 3 मंथ्स आपको क्लीन करने चाहिए। बट हीट स्टार्ट करने से पहले एक बार वो भी आप क्लीन कर लो बिकॉज HRV आपका विंटर्स में बहुत ज़्यादा चलेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बिकॉज HRV हेल्प करता है फ्रेश एयर बाहर से आपके घर में सर्कुलेट करने में। अनदर हाउस रिलेटेड टिप, तो आपको पता है कि विंटर में हीटिंग चलेगी आपके पूरे घर में, तो अगर जरा सी भी हीट लीक होगी तो आपकी फर्नेस ज्यादा देर चलेगी, ज्यादा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। सो मेक श्योर कि विंडो और डोर्स में कहीं भी लीकेज नहीं है, ये आप विंटर स्टार्ट होने से पहले एक बार जरूर चेक कर लो कि अच्छे से पूरी विंडोज बंद है, डोर बंद है। समर में भी चेक करना चाहिए बिकॉज ठंडी हवा बाहर नहीं लीक होनी चाहिए, बट विंटर में स्पेशली करो बिकॉज फर्नेस बहुत ज्यादा चलेगी। तो डोर और विंडोज अगर है तो होम डिपो से एक कॉकिंग आती है, उससे आप पूरा कवर कर सकते हो। अब कनाडा जब भी किसी के माइंड में आता है यही आता है कि स्नो बहुत पड़ती है, विंटर बहुत होती है, डिप्रेशन बहुत होता है। सो यस, अगर आप कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखोगे तो डिप्रेशन हो सकता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड विंटर डिप्रेशन। सो फ्यू टिप्स जो हमने इंप्लीमेंट करी है, विंटर में भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, फ्री इवेंट्स भी होते हैं, उस सारे अटेंड करो, मन नहीं कर रहा निकलने का, आलस आ रहा है, अवॉइड दैट, ट्राई टू गो ऑन फ्री इवेंट्स। फेसबुक पे आप जाके इवेंट्स पे जाके टाइप कर सकते हो, हम ऐसे करते हैं, क्रिसमस से रिलेटेड और विंटर से रिलेटेड बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, गो आउट एज मच एज पॉसिबल। वर्कआउट का मैंने आपको बताई दिया है, नहीं भी जा रहे रनिंग पे जाओ, हर सिटी में सिटी सेंटर का कोई ना कोई वॉक ट्रैक होता है, या फिर स्विमिंग पूल्स भी होते हैं जो वार्म होते हैं, स्विमिंग सीख लो, वॉक ट्रैक पे निकल जाओ, इंडोर ट्रैक्स होते हैं, सो वो इंसुलेटेड होते हैं, पूरे स्टेडियम होते हैं, उनमें आपको ठंड भी नहीं लगेगी। तो जितना बाहर जा सकते हो उतना ट्राई करो बाहर जाने का, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करो, फ्रेंड्स के घर जाओ, फ्रेंड आप घर पे बुला लो, थोड़ी बहुत पार्टी गेट टुगेदर करते रहो, अकेले नहीं बैठना विंटर में बस, बिकॉज पहले ही डिप्रेशन ऑलरेडी होता है और इन सब चीजों से और ज्यादा हो जाता है अगर आप घर पे बैठे रहोगे, बिजी रहोगे आपको पता नहीं चलेगा, 2-3 महीने ऐसे निकल जाएंगे। इसके अलावा एक और चीज ये है कि ठीक है विंटर को एंजॉय करो, बाहर निकलो, बट अगेन डोंट अंडर एस्टिमेट कनेडियन विंटर्स, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बीमार हो गए तो बहुत ज्यादा हालत खराब होगी, एंड यू नो द हेल्थ केयर सिस्टम, हमने बहुत वीडियोस में बात करी हुई है। ट्राई एंड स्टे हाइड्रेटेड, एंड जब भी बाहर निकलो इंश्योर करो कि आप विंड चिल चेक करके निकलो। वेदर जब चेक करते हो अपने फोन में, सो देयर आर लाइक डिफरेंट सेक्शंस जहां पे विंड चिल आती है। उसका एग्जांपल मैं दे देता हूं, आज अगर -5 है, आप वॉक पे चले गए, आपने बोला यार आज मेरे को ठंडी नहीं लग रही, तो -5 इज नॉर्मल टेम्परेचर, 10 दिन बाद दोबारा से -5 टेम्परेचर है और आप चले गए वॉक पे, आपकी हालत खराब हो जाएगी बिकॉज उस दिन -5 आपको टेम्परेचर दिखा रहा है, बट विंड चिल की वजह से इट माइट बी फील्स लाइक -25, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है जो एक्चुअल टेम्परेचर होता है, जो विंड चिल होता है। सो हमेशा विंड चिल देख के जाओ और नेवर अंडर एस्टिमेट कैनेडियन वेदर, बट एट द सेम टाइम डिप्रेशन नहीं लेना, एंजॉय करना कैनेडियन वेदर को, और ये सारी टिप्स इंप्लीमेंट कर सकते हो। इनसे रिलेटेड डिटेल में वीडियोस भी बनाए हुए, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप यूट्यूब पे जाकर अगर सर्च करोगे विंटर कैनेडा कपल, बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे, डिटेल में इन्फॉर्मेशन है, सो वो सारे आप देख सकते हो। सो एंजॉय करनी है, कोई डिप्रेशन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना विंटर में, हम भी कुछ ना कुछ इवेंट प्लान करते रहेंगे, तो आप आके एंजॉय कर लेना अगर ओंटारियो में हो तो। एंड इसके अलावा जो सीजन लोग हैं यहाँ पे बहुत टाइम से रह रहे हैं, अगर आपके कुछ और टिप्स हैं जो आप शेयर करना चाहते हो सबके साथ तो कमेंट्स में जरूर बताना, मे बी वो हेल्प करें, हमें भी हेल्प करें, मे बी हम भी ना जानते हो। एग्जैक्टली, और क्वेश्चन भी डाल देना, हम ट्राई करेंगे रिप्लाई कर दें।
एनी क्वेश्चंस का। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। सपोर्ट करने के लिए लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, और जो लोग नए आ रहे हैं कनाडा में उनसे शेयर कर सकते हो, या जो अभी रिसेंटली आए हैं उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। कैलगरी जाने वाले हैं, फिर वहाँ की पेंटर का हम स्वाद लेते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा, फिर मे बी और भी टिप्स होंगी हमारे पास। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।